ग्वालियर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सागर ताल का गहरीकरण एवं जीर्णोद्धार का कार्य मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर, नारायण सिंह कुशवाहा, सांसद भारत सिंह कुशवाहा की मौजूदगी में किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सभी जल स्रोतों के संरक्षण और उनके जीर्णोद्धार के लिए सरकार अभियान चला रही है। विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून से ये अभियान गंगा दशहरा 16 जून तक चलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि सभी जल स्रोतों का संरक्षण और जीर्णोद्धार का कार्य व्यापक पैमाने पर किया जाए, जिससे हमारे जलस्तर में वृद्धि हो। उन्होंने कहा कि सागर ताल के गहरीकरण और जीर्णोद्धार के लिए वह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित स्थानीय मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति आभारी हैं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर को 400 करोड़ की सौगात दी गई है, इसमें 2.5 करोड़ रुपया सागर ताल के सौंदर्यीकरण सहित अन्य कार्यों के लिए दिया गया है। उन्होंने इस बात पर भी खुशी जताई कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के नाम पर नवनिर्मित शंकरपुर के क्रिकेट स्टेडियम का शनिवार को लोकार्पण हुआ। इसके लिए भी उन्होंने सभी लोगों को बधाई दी है और कहा है कि इसे खेल प्रतिभाओं को सामने आने का मौका मिलेगा। जब ग्वालियर में हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, उनके साथ माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, स्वागत और अभिनंदन आदरणीय। जल गंगा संवर्धन अभियान और इसके तहत ग्वालियर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जल स्रोत सागर ताल के जल गंगा अभियान के माध्यम से आज सागर तालाब का सामूहिक रूप से जन भागीदारी और प्रशासन के माध्यम से गहरीकरण का जीर्णोद्धार का काम चल रहा। मेरी अपनी ओर से ग्वालियर के प्रशासन को श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सहित हमारे भारत सिंह कुशवाहा जी, यहाँ के मंत्री नारायण सिंह जी, हमारे प्रद्युम्न तोमर सिंह जी, तोमर जी और पूरे तुलसी सिलावट जी, सबको बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार के अभियान ने गति पकड़ी है, आने वाले समय में ये जल संकट की में भी मदद करेगा और ग्वालियर की पुरानी धरोहर भी पहचान रखेगी। साथ ही साथ लगभग 400 करोड़ के अलग अलग कामों की आज सौगात दी गई। विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार ग्वालियर को हमारी प्रायोरिटी में लेके चल रही है और इसी कारण से सागर तालाब के लिए भी लगभग 2.5 करोड़ और पूरे ग्वालियर अंचल के लिए। और एक खास बधाई, आज हमारे यहाँ एक नया क्रिकेट का स्टेडियम का आज लोकार्पण हुआ है स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के नाम पर। वो क्रिकेट प्रेमी भी थे, क्रिकेट के लिए बहुत समर्पित थे। मैं आज उनके लिए ये जो एक स्मृति के रूप में क्रिकेट का नया स्टेडियम बना है उसकी भी बधाई देना चाहूँगा और ग्वालियर आने वाले समय में विकास के नए कीर्तिमान बनाएगा। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। चलिए, धन्यवाद।